हरे कृष्णा। हमने लास्ट वीडियो में ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि साइंस की क्या डेफिनेशन है। साइंस की डेफिनेशन है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में एक सिस्टमेटिक वे से नॉलेज लेना, ऑर्गेनाइज्ड वे से नॉलेज लेना थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये डेफिनेशन वेबस्टर डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कुकिंग भी साइंस है, म्यूजिक भी साइंस है, आर्ट भी साइंस है, एग्रीकल्चर भी साइंस है और स्पिरिचुअलिटी भी साइंस है। साइंस की नॉलेज लेने का जो मेथड है वो अलग हो सकता है, दूसरी साइंस का जो नॉलेज लेने का मेथड है वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसा सोचना कि साइंस का जो नॉलेज लेने का मेथड है वही मेथड है, उसी से ही नॉलेज ली जा सकती है और कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है और कोई मेथड नहीं होना चाहिए, ये साइंस में सुपरस्टिशन है। ये एक अंधविश्वास है साइंस में, जिसको टेक्निकली साइंटिज्म भी कहते हैं। ऐसा सोचना गलत है, ऐसी सोच एक गलत धारणा है। साइंस जो है, जो मटेरियल साइंस है, अगर हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें तो उससे भी हमें भगवान की एग्जिस्टेंस का पता चलता है, भगवान की ग्लोरीज का पता चलता है, और मटेरियल साइंस भी हिंट करती है गॉड की तरफ। तो जो हम इस पूरे कोर्स में दो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस, तो मटेरियल साइंस का एक अपना प्रोसेस है नॉलेज लेने का, मेथोडोलॉजी, उसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड, कि सब चीजों को रिड्यूस कर देना सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर, एटम्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। और स्पिरिचुअल साइंस का मेथड है नॉलेज लेने का डिडक्टिव मेथड। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कहा जाए कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज मोर्टल, कि हर कोई मरणशील है, तो इंडक्टिव मेथड है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है कि हर कोई मरणशील है, मैं पर एक्सपेरिमेंट करूंगा सब लोगों पर, मैंने कौन सा सब लोग देखे हैं, तो फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज मोर्टल। लेकिन दूसरा है मेथड स्पिरिचुअल साइंस का डिडक्टिव मेथड, कि हम अपने गुरु से जहां अपने टीचर से, अपने फादर से अंडरस्टैंड करें, नॉलेज लें और उसको अंडरस्टैंड कर लें कि यस दैट ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल। तो उसको कहते हैं डिडक्टिव प्रोसेस, डिसेंडिंग प्रोसेस। इसमें नॉलेज डिसेंड करती है हायर से लोअर की तरफ। इंडक्टिव प्रोसेस से मटेरियल साइंस ने डेफिनेटली प्रोग्रेस तो की है और बहुत कॉम्फर्ट्स और कन्वीनियंसेस भी हमें दी है, परंतु इंडक्टिव प्रोसेस से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ की जो साइंस नहीं समझा सकती। जैसे कि साइंस हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, गुड बैड, एथिक्स, डिजायर्स, इमोशंस, इन चीजों के बारे में साइलेंट है। साइंस इस चीज के बारे में नहीं बता सकती। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सनराइज हो रहा है, तो सनराइज की जो ब्यूटी है साइंस उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। साइंस ये बता सकती है कि क्या सनलाइट की क्या इंटेंसिटी है या कितने बजे सनराइज हो रहा है, बट उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती साइंस। इसी तरह से म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक अच्छा है या बुरा, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग, ये चीज नहीं साइंस बता सकती। साइंस हाँ उसकी कुछ नोट्स बता सकती है, इस तरह से कुछ अलग से क्वांटिफाई कर सकती है। तो इस तरह से साइंस इन चीजों के बारे में कुछ नहीं बताती है। लाइफ के बहुत सारे पहलू हैं जिसके बारे में साइंस कुछ नहीं बताती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि साइंस मैटर में डील करती है, मैटर एंड फोर्सेस, या यूं कह लीजिए कि साइंस का तरीका है कि चीजों को रिड्यूस करो एटॉमिक लेवल्स पे, सब एटॉमिक लेवल्स पे, इसको कहते हैं रिडक्शनिज्म, और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। बट ये प्रोसेस लाइफ को अंडरस्टैंड करने में फेल हो जाती है, और वहां पे स्पिरिचुअल साइंस की यानी कि दूसरे मेथड की, डिडक्टिव मेथड की जरूरत पड़ती है। साइंस डील करती है सिर्फ मैटर में, और उसमें भी उसकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। बहुत सी चीजें हैं मैटर में जो साइंस को नहीं मालूम है। बट स्पिरिचुअल साइंस डील करती है पांच चीजों में: मैटर में, कर्म में, काल में यानी टाइम में, जीव में यानी कॉन्शियसनेस में या सोल में, और ईश्वर में यानी कंट्रोलर में और गॉड में। यानी कि स्पिरिचुअल साइंस एंटी मैटर में भी डील करती है, जबकि मटेरियल साइंस सिर्फ मैटर में डील करती है। एंटी मैटर के बारे में मटेरियल साइंस को नहीं मालूम है, ना एंटी मटेरियल एंटी मैटर के बारे में पता है, ना ही एंटी मटेरियल वर्ल्ड्स के बारे में पता है,
ना एंटी मटेरियल एक्टिविटीज के बारे में पता है, तो इस तरह ना ही एंटी मटेरियल पार्टिकल्स के बारे में पता है। तो इस तरह से जो स्पिरिचुअल साइंस है वो फार बियॉन्ड है मटेरियल साइंस से। आज जो हम सोसाइटी में पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, वो चीजें पॉसिबल नहीं है मटेरियल साइंस से हो पाना, क्योंकि मटेरियल साइंस मैटर में डील करती है और मटेरियल साइंस के पास लाइफ का कोई भी आंसर नहीं है कि लाइफ कहां से आई, कैसे आई, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। मटेरियल साइंस इनके बारे में आंसर नहीं दे सकती। तो लेकिन इन सभी प्रश्नों का आंसर एंटी मटेरियल साइंस में है। तो जब हम एंटी मटेरियल साइंस को अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि हम सेक्शन 3 सेक्शन 4 की वीडियोस में अंडरस्टैंड करेंगे, और एंटी मटेरियल पार्टिकल्स, एंटी मटेरियल वर्ल्ड्स, एंटी मटेरियल एक्टिविटीज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वास्तविक हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, मॉरेलिटी, ये सब चीजें पॉसिबल हैं एंटी मटेरियल साइंस से। मटेरियल साइंस की प्रोग्रेस से ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हम आज देख ही चुके हैं। इतनी मटेरियल साइंस की एडवांसमेंट के बाद भी कोई कल्चर नहीं, कोई एथिक्स नहीं, मॉरल्स नहीं, और हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन बढ़ने की बजाय पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। तो जब हम एंटी मटेरियल साइंस को, एंटी मटेरियल वर्ल्ड को समझेंगे, तब हम ये अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि जो मटेरियल साइंस है या फिर मैटर है, दैट डज नॉट मैटर, वो इतना मैटर नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।